बेगमगंज में लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष संदीप लोधी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने महिलाओं को फूलों से सम्मानित किया और महिलाओं को मंच पर बिठाकर पूर्व मंत्री जनता के बीच कुर्सी पर भी बैठे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति की। वहीं भाजपा सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने कई योजनाएं शुरू की। रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज में नगर पालिका द्वारा आयोजित सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में सिलवानी विधानसभा के विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री रामपाल सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ने भगवान की पूजा अर्चना कर कन्याओं की पूजा की और लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान रामपाल सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की नारी शक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने योजना लागू की गई है। इस महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना से महिलाओं नारी शक्ति को हर माह 1,000 रुपये उनके खाते में मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और पोषण आहार में सतत सुधार कर परिवार के निर्णयों में महिलाओं की अहम भूमिका रहे, इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना लागू की है। पूर्व मंत्री ने कहा कि माताओं बहनों को परेशान ना होना पड़े, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, नगर पालिका द्वारा वार्ड वार्ड में कैंप के माध्यम से फार्म भरे जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनते ही 1,500 रुपये महिलाओं को देने पर क्या कहा पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने, वह भी सुनिए। फूल वर्षा करके मातृशक्ति का सम्मान किया गया, मालाएं पहनाई, महिला मोर्चा की तरफ से तिलक भी किया गया है और आज उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम का श्री गणेश यहाँ किया गया है। मेरी तरफ से आपके सभी बहनों को, लाडली बहनों को, सभी साथी जो सेवा के काम में लगे हुए, इनका फार्म भरवाएं और पूरा सेवा का काम करेंगे, इस बात का भी संकल्प किया। सर, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1,500 रुपये देंगे, उन पर कोई विश्वास रहा नहीं, उनने एक काम किया नहीं, 10 दिन में 2 लाख माफ नहीं किए, रोजगार भत्ता नहीं दिया, एक भी काम देश के अंदर आज़ादी के बाद किया होता तो गांव में सड़कें भी नहीं बन पाई, बेगमगंज में एक सड़क का नाम नहीं बता सकते, पेयजल योजना नहीं, पूरे एक एक वादा, झूठा वादा, झूठ बोलने का प्रमाण पत्र से जनता दे चुकी है और जनता की नज़र से उतर चुके हैं, क्योंकि ये प्रमाण 10 दिन में 2 लाख माफ करेंगे, किसान कर्ज में डूब गया, युवाओं को 4,000 का भत्ता देंगे, नियमित करेंगे, पेंशन देंगे, किसानों को सुविधा देंगे, किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, माताओं बहनों की कोई योजना कांग्रेस ने कभी नहीं बनाई, इलाज भी की अगर व्यवस्था है आयुष्मान भारत की है वो भी भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी दे रहे हैं, जन्म से लेकर लाली लक्ष्मी योजना, लाली लक्ष्मी योजना, तो लाली बहना योजना, आपका ये जो गैस उज्ज्वला योजना, निःशुल्क अनाज योजना, सभी योजना है, किसान सम्मान निधि पूरी योजना है, माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व से घर घर जा रही है, उसका परिणाम है कि जनता पूरी ताकत के साथ आशीर्वाद दे रही है। बेगमगंज से मनोज गुप्ता की रिपोर्ट।